गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. नाउ टुडे वी स्टार्ट सोर्सेस ऑफ वाटर. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस चैप्टर नंबर 5 सोर्सेस एंड यूज ऑफ वाटर, जिसमें हम लोगों ने वाटर का यूज और वाटर की इम्पोर्टेंस ये सारा देखा था. आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर. सोर्सेस वाटर चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है अपने, चैप्टर नंबर 5 का सोर्सेस ऑफ वाटर. अब देखो सोर्सेस ऑफ वाटर, हम पानी के बगैर जिंदा रह नहीं सकते. पानी का इम्पोर्टेंस हमने देखा, पानी के यूजेस हमने देखे. अब ये जो वाटर है, ये वाटर अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाटर आता कहाँ से है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए. यस और नो, अभी पानी आता कहाँ से है? देखो, वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. हमें पानी बहुत अलग अलग सोर्सेस है, वहाँ से पानी मिलता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वाटर इज व्हाट इज दिस रेन. रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. देन द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर, यस देखो, रिवर, स्नोफॉल, देन वेव, ट्यूबवेल, ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर. अब ये जो सोर्सेस ऑफ वाटर है, इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सरफेस वाटर एंड सेकेंड है अंडरग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर वो वाटर है जो जमीन पर रहता है, और अंडरग्राउंड वाटर वो है जो जमीन के अंदर से हम निकालते हैं. अब सरफेस ऑफ वाटर में क्या क्या आएगा देखो. रेन सरफेस ऑफ वाटर है, स्नोफॉल सरफेस ऑफ वाटर है, पॉन्ड सरफेस ऑफ वाटर है, लेक्स सरफेस ऑफ वाटर है, रिवर, ओके लेक हमने दो बार लिख लिए हैं, सीज, ओशियन एंड वाटरफॉल्स, ये सारे क्या है? सरफेस वाटर. अब हम डिटेली डिस्कस करेंगे सरफेस वाटर का. फर्स्ट हम देखेंगे रेन. फर्स्ट हम देखेंगे रेन. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. रेन वाटर इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. इट इज वेरी मच फिट फॉर ड्रिंकिंग. इन सम एरियाज पीपल कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड यूज इट फॉर ड्रिंकिंग. यस, रेन वाटर, रेन जो है, ये रेन वाटर बहुत ही, यस देखो, ये ड्रिंकिंग के लिए बहुत फिट वाटर है. जो बारिश का पानी आता है ये प्योर फॉर्म में रहता है, और
ये पीने के लिए एकदम उत्तम मटर है और कई इलाकों में तो लोग क्या करते हैं, जो छत का बारिश का पानी रहता है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर वो पानी पीने के लिए यूज में लेते हैं। अब नेक्स्ट है स्नोफॉल। स्नोफॉल समटाइम्स द एयर हाई अप इज वेरी कोल्ड। हवा जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा क्या लगती है, ठंडी लगती है। द वाटर इन क्लाउड्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ इट, फिर क्या होता है क्लाउड्स, द वाटर इन क्लाउड्स, जो क्लाउड्स के अंदर वाटर रहता है वो कॉन्टेक्ट उन हवाओं के साथ होता है। नाउ इट कैन फ्रीज फ्रॉम स्नो, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और वो जो बूंदे रहती है पानी की वो क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है, स्नो बन जाती है। देन कम्स डाउन फॉल, कम्स डाउन एज हेल और स्नो, हेल यानी ओले, स्नो यानी कुछ बर्फ की थी ना, यस। ये हम क्या करते हैं हेल और स्नो के द्वारा नीचे गिरती है। ये हो गया अपने स्नोफॉल। हवा जैसे जैसे ऊपर रहती है वैसे वैसे ठंडी होती रहती है, वो पानी क्लाउड्स के अंदर जो पानी रहता है उससे कॉन्टैक्ट में आती है, वहाँ फ्रीज यानी बहुत ठंडे हो जाते हैं, वो बर्फ जम जाते हैं और फिर वो ओले हेल्स यानी ओले होते हैं स्नो, इसके द्वारा नीचे जमीन पर गिरते हैं। नेक्स्ट है पूल्स एंड पॉन्ड्स। पॉन्ड्स सम ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, कुछ बारिश का पानी जमीन सोख लेती है। द रेन वाटर विच इज नॉट एब्जॉर्ब फ्लोस टू लो लैंड्स एंड कलेक्ट्स देयर इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स एंड पूल्स, और जहाँ पे ये पानी अंदर जमीन नहीं सोखती है वहाँ वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ क्या बन जाता है, तालाब बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है। द वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और जो पानी जमीन सोख लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेक। लेक मीन्स झील। अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक। चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ जो पोर्शन रहता है और बीच में पानी रहता है उसे हम कहते हैं लेक। रेन वाटर गेट्स कलेक्ट इन द लेक्स, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जाता है। वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स इज स्टेशनरी। ओके नेक्स्ट है रिवर्स, नदी। वेयर इज रिवर, यस रिवर। इन कोल्ड प्लेसेस अ लॉट ऑफ स्नो इन प्रेजेंट ऑन हाई माउंटेन्स, बर्फ जो गिरी हुई रहती है पहाड़ों पर वो धीरे धीरे जब दिस स्नो इज मेल्टिंग पिघलती है टर्न्स इनटू वाटर, फिर वो उसमें उसका चेंज किसमें होता है, पानी में होता है। एंड फ्लोज डाउनवर्ड्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रिवर, और फिर वो कंटिन्यू पानी नीचे बहता रहता है रिवर के रूप में, नदी के रूप में। ड्यूरिंग रेन्स बारिश के दिनों में रिवर्स आर स्पेंट एंड इन द ड्राई सीजन their water level fall. Most river falls into seas. Most big cities use the water nearby rivers for their own water supply. Rainy season में ये जो नदियाँ रहती हैं ये पूरी भर जाती हैं, और जो dry season रहता है summer season रहता है उसमें ये नदियाँ सूखी हो जाती है, उसमें पानी नहीं रहता। देयर वाटर लेवल मोस्ट रिवर फॉल्स इनटू द सीज, सारे ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ किसमें जाके मिलती हैं, समंदर में जाके मिलती है, और बड़े शहरों के में जहाँ रिवर रहती है वहाँ के लोगों को पानी पहुँचाने का काम नदी के द्वारा किया जाता है। नदी का पानी टैंक में इकट्ठा किया जाता है, टैंक में से टैप के द्वारा सबके घरों में पानी सप्लाई की जाती है। रिवर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड एंड मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये जो पानी होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है रिवर के पानी को और फिर वो पीने के लिए यूज।
वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स इन हिली एरियाज, पहाड़ वाले इलाकों में वाटरफॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम हाई, ऊपर से पानी नीचे गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल झरना। द वाटरफॉल में भी रिजल्ट ऑफ द सम स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स जिसमें हमें ये स्प्रिंग सीजन में हमें वाटरफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सीज एंड ओशियन। सीज एंड ओशियन, सीज आर द ह्यूज वाटर बॉडीज, मोस्ट रिवर्स फॉल्स इनटू सीज व्हेन द नंबर ऑफ सीज कंबाइन टुगेदर दे मर्ज टू फॉर्म एंड ओशियन। द सी वाटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी, बट इट कैन बी डिसलाइज एंड मेड ड्रिंकेबल। ओके, अब देखो सीज एंड ओशियन, सीज एंड ओशियन ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जहाँ में जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सारी नदियाँ उसी में अंदर आके मिलती हैं, और जब बहुत से समुद्र एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ओशियन का रूप लेते हैं। द सी वाटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। ओशियन का वाटर हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ सॉल्ट, वो पानी क्या होता है, नमकीन होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पानी ड्रिंकेबल बनाने के लिए उसको प्यूरीफाई किया जाता है, सैलिनाइज किया जाता है, डिसैलिनाइज किया जाता है, जो सैलिनाइज वाटर रहता है उसको डिसैलिनाइज किया जाता है और फिर पानी पीने योग्य बनाया जाता है। अब मैं आपको लिख के दे रही हूँ सरफेस वाटर, तो आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम ये चैप्टर यहाँ आज यहाँ तक आपको डिस्कस हो चुका है। अब देखो यहाँ पे देखो रेन, रेन बताया हुआ है, ओके, लेक नदी ये इस तरह से, रिवर लेक पॉन्ड ये सारे इस तरह से यहाँ पिक्चर में बताए हुए हैं। आज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस कंप्लीट कर लिया है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, रीड करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ कुछ पॉइंट लिखवा रही हूँ, आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। कैसे को आपको अपने नोटबुक में ये राइट डाउन करना है। सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर में देखो टू टाइप के वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प आएंगे, और सरफेस वाटर में देखो जो हम लोगों ने भी डिस्कस कर चुके हैं, रेन, स्नोफॉल, पूल एंड पॉन्ड्स, रिवर, लेक, वाटरफॉल, सीज एंड ओशियन, ये सारा हम लोगों ने क्या किया है, आज डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर यहाँ तक रीड करेंगे ओपन बुक पेज नंबर 31। अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ओके। ये पहले आपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो, यस डू फास्ट, और टुमारो वी डिस्कस अंडरग्राउंड वाटर, इन नेक्स्ट पीरियड वी डिस्कस अंडरग्राउंड वाटर। यस नाउ स्टार्ट रीडिंग चैप्टर पेज नंबर 31 सरफेस वाटर। ओके, सरफेस वाटर से पहले सोर्सेस ऑफ वाटर हमें रीड करना है, जिसमें सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है आप लोगों को। अब देखो सोर्सेस ऑफ वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज द रेन, द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर आर रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, सीज, स्नोफॉल्स, वाटरफॉल्स, पॉन्ड्स, वेल, ट्यूबवेल, हैंड पंप्स एंड टैप्स। नाउ सरफेस वाटर, फर्स्ट सरफेस वाटर इज रेन,
द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द रेन. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. इट इज वेरी मच फिट फॉर ड्रिंकिंग. इट इज वेरी मच फिट फॉर ड्रिंकिंग. इन सम एरियाज पीपल कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड यूज इट फॉर ड्रिंकिंग. ये अपने घर पे यहाँ राजस्थान में करते हैं ना, छत का पानी होद में इकट्ठा करते, टैंक में इकट्ठा करते और वो पानी हम पीने के लिए यूज में लेते हैं. नेक्स्ट है स्नोफॉल. समटाइम्स द एयर हाई अप इज वेरी कोल्ड. द वाटर इन क्लाउड्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ इट. नाउ इट कैन फ्रीज टू फॉर्म स्नो. Then comes down as hail or snow. Next, pools and ponds. Some of the rain water gets absorbed by the ground. The rain water which is not absorbed flows to lowlands and collects there in the form of ponds and pools. The water which is absorbed by the ground is called underground water. Next, lakes. A large water body surrounded by land is called lake. Rainwater gets collected in the lakes. Water in lakes and ponds is stationary. Number 5, rivers. In cold places, a lot of snow is present on high mountains. This snow, on melting, turns into water and flows downwards continuously in the form of a river. During rains, rivers are in spate and in the dry season. Their water levels falls. Most rivers falls into seas. Most big cities use the water of nearby rivers for their own water supply. River water can be purified and made fit for drinking. In hilly areas, water falls almost vertically from a height. It is called a waterfall. A waterfall may be the result of some spring. 7. Number seas and oceans. Seas are huge water bodies. Most rivers fall into seas. When a number of seas combine together, they merge to form an ocean. The sea water cannot be used directly for drinking because it is salty. But it can be desalinized and made drinkable. Okay, यहाँ तक अपना सरफेस वाटर हो चुका है, आपको समझा भी दिया है. अब नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.